में पत्रकारों ने मनाया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। कुल्लू जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में स्थित प्रेस भवन में जिला स्तरीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग शामिल रहे। आशुतोष गर्ग का प्रेस क्लब जिला के प्रधान धनेश गौतम सहित तमाम पत्रकारों ने स्वागत किया। डीपीआरओ कुल्लू प्रेम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई दी। ढालपुर में आयोजित जिला स्तरीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस साल के विषय मीडिया से क्यों नहीं डरे पर भी विशेष रूप से मंथन किया गया। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का दौर भी काफी बड़ा है, ऐसे में इस क्षेत्र में भी काफी चुनौतियां आई है, लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार बेहतरीन तरीके से अपने काम को पूरा कर रहे हैं। गौर रहे कि भारत में प्रथम प्रेस आयोग 1956 ने पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक समिति की कल्पना की थी, जिसके 10 साल बाद एक प्रेस परिषद का गठन किया गया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए सभी पत्रकारिता गतिविधियों की देश निगरानी करती है। भारतीय प्रेस परिषद देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत में प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रेस द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की निगरानी करना है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में पत्रकार बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और समाज में एक सजग प्रहरी के रूप में वे लोगों की समस्याओं को भी सरकार व प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठा रहे हैं। इससे प्रदेश के लोगों को भी काफी लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के इस मौके पर मैं यहाँ पे हमारे बीच जितने भी प्रेस से जुड़े हुए हमारे मित्रगण और सभी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। प्रेस हमारी लोग आते हैं, जहाँ एक तरफ प्रेस उस सेतु का काम करता है कि वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी लोगों तक पहुँचे, वहीं प्रेस ये भी इंश्योर करती है कि हमारे ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं इनके बीच में जो एक समन्वय है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की हमारे संविधान में बात की गई है, उसको इंश्योर किया जा सके। और कहीं पर भी अगर इस संतुलन में ऐसा लगे कि ये संतुलन बिगड़ रहा है, तो उसको चेक करना, उसको रोकना और ये इंश्योर करना कि ये प्रॉपरली मैनेज रहे और संवैधानिक व्यवस्था जैसी संविधान में सोची गई है उस तरीके से बनाई जा सके, वो प्रेस इंश्योर करती है। साथ ही साथ आज का दिन एक हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन का भी दिन है कि जो आज के दौर में हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का एक ट्रेंड जो सोशल मीडिया की वजह से, और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी मिस इन्फॉर्मेशन या किसी फेक न्यूज़ की वजह से किसी का कोई ऐसा नुकसान ना हो या कोई ऐसी घटना नहीं हो जिसके बारे में बाद में जो है उसको लेकर हमें रिग्रेट करना पड़े। तो आज के दिन ये इंट्रोस्पेक्शन, इसके बारे में डिबेट और इसके बारे में सोचने का भी दिन है कि हाउ वी इंश्योर कि हम लोग फ्री, फेयरलेस और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उन लोगों तक। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।